मैं अभी नरेला से आ रहा हूँ और रास्ते भर में राष्ट्र ध्वज बिल्कुल सीधे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, हवा नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कल जो जालौर में घटना घटी है, जो 3 साल के मासूम बच्चे की जातिवाद के कारण पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, उसके शोक में भारत का राष्ट्र ध्वज भी झुका हुआ है। मुझे रास्ते भर में जितने भी ध्वज मैंने बड़े बड़े ध्वज जो लगे थे सारे झुके पड़े हैं, हवा नहीं चल रही है। भारत की आबो हवा भी इस शोक से जो है शोक संतप्त है, ऐसी मतलब आज आबो हवा हो गई है। जो इस पाठ में पिछला पाठ था और ये वाला पाठ है, कंटिन्यूटी में पाठ है, और इस पाठ में जो है जो दो वर्गों में साके संघ बट गया, एक वर्ग वो जो पहले निर्णय से सहमत है कि युद्ध होना चाहिए, दूसरा वो जो ये कहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मन से हुआ है तो निर्णय जो है मन के अंदर एक पक्ष का फैसला है कि युद्ध होना चाहिए और दूसरे का है कि नहीं होना चाहिए, तो मन के साथ आदमी चलता है और मन की विपरीत दिशा में जाके जब कोई काम करता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ गौतम हैं वो अपने निर्णय पर अडिग हैं। ये परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी हैं जैसी कि आज भारत के अंदर वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, बिल्कुल वैसी परिस्थितियाँ हैं। ऐसी हैं या नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? जैसी परिस्थितियाँ सिद्धार्थ के साथ में शाक्य संघ ने जो निर्णय लिया है उस समय थी, वैसी ही परिस्थितियाँ कमोवेश आज भी पैदा हो रखी हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर एक ऐसी सरकार चुन ली गई है जो बहुमत से चुनी गई है, जो बहुमत से चुन ली गई है, बिल्कुल निर्वाध, कोई उसके अंदर बाधाएं नहीं पहुंची, विपक्ष नाम मात्र के लिए रह गया है, विरोध हो ही नहीं सकता। अब जो उसके निर्णय हैं उल जुल निर्णय हैं, उसका क्या करें? तो जो सिद्धार्थ गौतम कर रहे हैं कि अपनी न्याय की दृष्टि से यह जांच कीजिए कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है, किन बातों से लोगों का कल्याण हो सकता है और किन बातों से लोगों का अनिष्ट होने वाला है। लोगों का बुरा नहीं करना, किसी को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, किसी प्राणी को हानि ना पहुंचे, इसके प्रयास हमेशा करने हैं। तो सिद्धार्थ गौतम वही प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध होगा तो हानि होगी, जान की भी और माल की भी, लोग मारे जाएंगे, विधवाएं होंगी, बच्चे अनाथ होंगे, तो इस हानि को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। अगर ये लोग नहीं युद्ध नहीं रोकते हैं तो कम से कम मैं इनके गलत निर्णय में शामिल ना हूं, मैं अपने मन वचन कर्म से किसी की हानि ना करूं, इस प्रकार के संकल्प के साथ में सिद्धार्थ जो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति आज हमारे साथ में, आज इस सरकार ने जो है अमृत महोत्सव बनाने का फैसला लिया है। अब उस अमृत महोत्सव में अगर हम देखें तो वह अमृत महोत्सव किसके लिए है? मैं अभी नरेला से आ रहा हूँ और रास्ते भर में राष्ट्र ध्वज बिल्कुल सीधे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, हवा नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कल जो जालौर में घटना घटी है, जो 3 साल के मासूम बच्चे की जातिवाद के कारण पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, उसके शोक में भारत का राष्ट्र ध्वज भी झुका हुआ है। मुझे रास्ते भर में जितने भी ध्वज मैंने बड़े बड़े ध्वज जो लगे थे सारे झुके पड़े हैं, हवा नहीं चल रही है। भारत की आबो हवा भी इस शोक से जो है शोक संतप्त है, ऐसी मतलब आज आबो हवा हो गई है। रास्ते में मैं देख रहा था कि एक ई रिक्शा वाला जो है अपने एक झंडा इधर लगाया हुआ है, एक झंडा इधर लगाया हुआ है। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि इस ई रिक्शा वाले से मैं सवाल करूं कि भाई तुझे इस आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए कैसा एहसास हो रहा है, तेरी आज़ादी किस प्रकार की है, क्या तू आज़ाद है, क्या तू भरपेट खाना खाता है, क्या तू भरपेट खाना खाने के बाद जब तेरा मन करता है कहीं घूमने फिरने का तू घूमने फिरने जा सकता है, जैसे टाटा बिरला अंबानी स्विट्जरलैंड में अपना जाके अपना हॉलीडेज वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, खूब मूवीज देखते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, क्या तू कर सकता है? अगर तू नहीं कर पाता है और टाटा बिरला अंबानी और तेरे बीच में बहुत बड़ी जमीन आसमान की जो खाई है अगर वो है अभी भी, तो तू किस आज़ादी का सेलिब्रेशन आज कर रहा है? तू अपनी उस आज़ादी का अपनी उस आज़ादी की मांग क्यों नहीं करता सरकार से? आज तेरे पास ये मौका था कि तू जो है सरकार के सामने प्रस्ताव रखे कि मुझे भी आज़ाद होना है, मुझे भी आज़ाद करो, जब तो मैं आज़ादी मनाऊंगा,
लेकिन उस व्यक्ति को ये एहसास ही नहीं है और वो एक भावना में बंध कर, एक भावना के सूत्र में बंध कर वो आज उसी तरह से आज़ादी मना रहा है जिस तरीके से टाटा बिरला अंबानी अपनी जो फैक्ट्रियों में उनके जो झंडा बन रहा है भारत का, तो वो पैसा कमा रहे हैं और पैसे का कमाने का जो आनंद ले रहे हैं, तो उसी तरह की वो जश्न जैसे वो मना रहे हैं उसी तरह का जश्न वो भी मनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये मानसिक गुलामी है और हम मानसिक गुलामी का हमेशा शिकार होते आए हैं। तो ये जो पाठ है ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक दशा की बात करता है कि लोगों की मानसिक दशा में सिर्फ हिंसा भरी हुई है, वो हिंसा के अलावा अहिंसा की बात सोच भी नहीं सकते हैं। आज इस देश में, इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई गाली दे तो वे ये मान सकते हैं कि मैं उनको गाली नहीं दूंगा और बात खत्म कर दूंगा, ऐसा कोई व्यवहार करने वाला है क्या? कितने लोग हैं ऐसे? एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो मानसिक दूषितपन है वो कितने हाई लेवल पे है। तो ये जो बुद्ध का धम्म है वो इस मानसिक दूषितपन को दूर करने के लिए है। तो ये जो शाक्य संघ का जो है कि अब सिद्धार्थ के ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी है, क्योंकि उसने शपथ ली है शाक्य संघ का जो भी निर्णय होगा उसको फॉलो करेगा, लेकिन सिद्धार्थ का मन नहीं मानता है कि वो किसी को भी हानि पहुँचाएँ, वो हानि ना पहुँचाएँ, इसलिए वो सिद्ध अभी भी अपने निर्णय के पक्ष में खड़े हुए हैं, शाक्य संघ के निर्णय का विरोध करते हैं, उनको समझाने बुझाने का प्रयत्न करते हैं, उनको तर्क देते हैं, लेकिन कोई भी तर्क वो सेनापति और वह शाक्य संघ अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब उस निर्णय के विरोध में सिद्धार्थ खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको निश्चित दंड भुगतना पड़ेगा, जो कि शाक्य संघ के निर्णय को ना मानने के लिए निश्चित है। तो उसके लिए जो दंड निश्चित बताए हैं, या तो देश छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, या फिर संपत्ति जब्त हो जाएगी परिवार की, या और भी कोई प्रकार का जो दंड है वो निश्चित किए गए हैं। तो उसमें सिद्धार्थ यही फैसला करते हैं कि इसमें जो है मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार का निर्णय नहीं है, ये तो निर्णय मेरा है, इसलिए जो भी दंड भुगतना है वो मैं भुगतूंगा, मैं इस संघ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इस संघ, समझने वाली बात है, मैं इस संघ की अवमानना नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ कि मैं अब इस संघ के निर्णय से भाग जाऊँगा, नहीं, जो भी संघ की प्रक्रिया है वो मुझे मंजूर है, वो मुझे मंजूर है। तो ऐसी भावना से आज कितने संगठन ऐसे हैं जो कि अपने संघ में सदस्यों को प्रवेश देने के लिए कुछ कायदे कानून बनाते हों, उनसे शपथ दिलवाते हों कि आपको ये काम करने पड़ेंगे, है ऐसे के संगठन? कितने संगठन बताओ, चाहे ये विहार जिसमें हम बैठ के आज ये जो कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, इस विहार की भी जो सदस्यता है जब कोई लेने आता होगा तो उसके लिए क्या अपरिहार्यताएँ हैं? तो इस तरह के जो संघ थे पहले बहुत सटीक संघ हुआ करते थे और लोग अपनी बात के पक्के हुआ करते थे, अपने वचनों पर चलने वाले हुआ करते थे, इसी तरह से सिद्धार्थ जो है जो शपथ उसने ली थी उस शपथ का पालन करते हुए अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो देश छोड़कर चला जाए या फिर वो परिवार को होने वाली हानि को स्वीकार कर ले, क्योंकि ये निर्णय सिद्धार्थ का है, तो सिद्धार्थ फिर ये निर्णय लेते हैं कि परिवार को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, मैं ही देश छोड़कर चले जाता हूँ।